हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप स्पॉटिंग रेटर के कुछ क्वेश्चंस सभी बैंकिंग और सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए। देखिए, समय स्पॉटिंग रेटर के क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं वो नए नए पैटर्न्स पर पूछे जा रहे हैं, और यदि आपके बेसिक्स क्लियर हैं, यदि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो किसी भी पैटर्न में क्वेश्चन आए आप उनको आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए, ये एक क्वेश्चन है और किस पार्ट में रर है इसको आपको लगाना है। That apart he would, अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, जैसे ही आप किसी भी एरर को नोटिस करते हैं प्रैक्टिस करते समय भी और एग्जामिनेशन हॉल में भी, यदि आप श्योर हैं कि स्पॉटिंग एरर यही है, इसमें जो एरर है वो इसी पार्ट में है, तो आपको आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और ना ही एग्जामिनेशन में इतना टाइम रहता है कि आप आगे पढ़ें। तो जैसे ही आप स्पॉट करते हैं किसी भी एरर को, उसी पॉइंट पर आपको आपको उसको टिक मार्क करना है और आगे वाला क्वेश्चन देखना है। ये जरूरी नहीं है कि पूरा क्वेश्चन आप पढ़ें, ये पूरा क्वेश्चन आपको उसी कंडीशन में पढ़ना है जब आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है और आप उसका स्पॉटिंग एरर आप नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इस पूरे वीडियो को आप एंड तक देखें, काफ़ी कॉन्सेप्ट मैं इसमें आपको बताऊंगा। दैट अपार्ट ही वुड फोकस्ड, अब देखिए यहाँ पर दैट अपार्ट का मतलब है कि इसको छोड़ के, ठीक है। अब ये जो वर्ब है, ये जो मॉडल वर्ब है, वुड हुआ, कुड हुआ, मे हुआ, माइट हुआ, मस्ट हुआ, इनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इनके साथ हम थर्ड फॉर्म नहीं लगाते। तो इसमें एरर जो निकल के आई वो यहाँ पर निकल के आई है, और इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा ए। दैट अ पाथ ही वुड फोकस ऑन क्रिएटिंग, ऑन के बाद क्रिएटिंग यहाँ पर बिल्कुल सही है क्योंकि ऑन एक प्रपोजिशन है तो क्रिएटिंग सही है, लेकिन वुड के बाद यहाँ पर हम फोकस वर्ड का प्रयोग करेंगे और ए इसमें आपका आंसर होगा। आपको अब पूरा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। व्हाइल इट वॉज कौशल्या देवी हु अशर्ड इन द ट्रेंड ऑफ फिल्म एडेप्टेशन, अशर्ड इन का मतलब है कि उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया, उनको उसको आगे बढ़ाया उस ट्रेंड को, फिल्म एडेप्टेशंस को, ऑफ तेलुगु नॉवेल्स विद डॉक्टर चक्रवर्ती। इट वॉज सुलोचनास राइटिंग दैट कैप्चर्ड द फैसिनेटिंग, अब देखिए यहाँ पर एरर पकड़ में आ गई है, इसकी हम बात कर रहे हैं। इट वॉज सुलोचनास राइटिंग, ये सुलोचना की राइटिंग थी जिसने दैट कैप्चर्ड द फैसी, कैप्चर्ड वॉट, अब देखिए यहाँ पर यदि आप कैप्चर के बाद यदि आप वॉट लगाएं तो आपको उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैप्चर्ड वॉट, कैप्चर्ड फैसिनेशन, वॉट का जो आंसर होता है वो हमेशा नाउन होता है, ठीक है। जैसे यदि मैं बोलूँ आपसे कि यदि एक क्वेश्चन है कि आई एम ड्रिंकिंग वाटर, और मैं बोलूँ कि आई एम ड्रिंकिंग वॉट, तो उसका आंसर आएगा वाटर, और वाटर एक नाउन है, यानी वॉट का जो आंसर आता है वो हमेशा नाउन के फॉर्म में आता है, ठीक है। तो सुलोचनास राइटिंग कैप्चर्ड वॉट, कैप्चर्ड द फैसिनेशन, कैप्चर्ड द फैसिनेशन यानी उसका ध्यान खींचा, सुलोचना की राइटिंग ने किसी चीज़ का ध्यान खींचा। कैप्चर्ड द फैसिनेशन ऑफ एन एवरेज सिंस द 60th रिफ्लेक्टिंग कंटेम्प्रेरी ट्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ड होगा वो होगा फैसिनेशन। ये छोटे छोटे वर्ड जो होते हैं, कभी नाउन को वर्ब के फॉर्म में लिखा रहता है, कभी वर्ब को एडजेक्टिव के फॉर्म में लिखा रहता है, तो ये आपको देखना पड़ता है कि कहाँ पर आपको नाउन लगाना है, कहाँ पर एडजेक्टिव लगाना है, कहाँ पर एडवर्ब लगाना है। प्रपोजिशन का रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है इस समय जो एरर्स पूछी जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये जो वर्ड है फैसिनेटिंग, ये गलत है, और इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, ठीक है। तो सी इसमें आपका आंसर होगा, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। द नॉबल्स क्रिएटेड सच एन इम्पैक्ट दैट आई वंडर्ड हाउ वुड यदानुपुडी, किसी का नाम है जो इंटरप्रेट्स, अब देखिए यहाँ पर क्या गलती हो सकती है इसमें देखते हैं। द नॉबल्स क्रिएटेड सच एन इम्पैक्ट, तो यहाँ पर तो कोई गलती नहीं है, दैट सच के बाद हम दैट लगा सकते हैं तो ये भी सही है। दैट आई वंडर्ड हाउ वुड ही, अब देखिए इसमें एस नहीं आएगा क्योंकि जो मॉडल वर्ब्स होती हैं उसके बाद हम वर्ब में एस नहीं लगाते हैं, ठीक है। कैन हुआ, कुड हुआ, वुड हुआ, इसके बाद हम एस नहीं लगाते हैं, तो ये जो वर्ड है ये गलत है और इसमें आंसर आपका होगा बी। इस तरीके से आपको जैसे ही एरर आपको स्पॉट करते हैं, जैसे ही आप एरर को नोटिस करते हैं, बस वहीं पर एरर लगाना है और आप आगे बढ़ सकते हैं। ये ऑफर अभी चल रहा है 6 ऑसम ई बुक्स का, इसमें 2500 हाई फ्रिक्वेंसी कोर वर्ड्स आपको मिलेंगे ई बुक्स के फॉर्म में, और इसका ऑफर प्राइस केवल और केवल 99 रुपीज़ है।
इसको आप लिंक के थ्रू भी ले सकते हैं, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और पेटीएम के थ्रू भी इसको आप ले सकते हैं। ये मेरा पेटीएम नंबर यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, इस पर आप 99 रुपीज़ भेजेंगे तो तुरंत आपको 6 ई-बुक आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएंगी। अब हम आगे देखते हैं हर मोरलिस्टिक व्यूज़ इन रिलेशन फ्रॉम हर, इन रिलेशन विद हर होना चाहिए एक्चुअली, इन रिलेशन फ्रॉम हर नॉवेल्स रिफ्लेक्टेड इन हर रियल लाइफ शी डेडिकेटेड द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हर लाइफ टू हर हस्बैंड्स। एक्चुअली यहाँ पर हर मोरलिस्ट व्यू इन रिलेशनशिप फ्रॉम हर नॉवेल्स रिफ्लेक्टेड इन हर रियल लाइफ शी डेडिकेटेड द लाइफ द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हर लाइफ टू हर हस्बैंड। उसने लास्ट फ्यू ईयर्स जो हैं वो अपने हस्बैंड की लाइफ को डेडिकेटेड कर दिए, हॉल्टिंग हर राइटिंग करियर्स, अपने राइटिंग करियर को रोकते हुए। तो जब दो काम एक साथ होते हैं तो उसके लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हम हॉल्टिंग वर्ड का प्रयोग करेंगे, हॉल्ट वर्ड यहाँ पर गलत होगा और डी इसमें आपका आंसर होगा, मतलब ई पार्ट गलत है तो इसलिए डी इसमें आपका आंसर होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है कि जब दो काम एक साथ होते हैं, ठीक है। शी डेडिकेटेड द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हर लाइफ टू हर हस्बैंड हॉल्टिंग हर राइटिंग करियर, अपने राइटिंग करियर को उसने रोक दिया और इस तरीके से उसने अपनी लाइफ को डेडिकेट किया और ऐसा करते हुए उसने राइटिंग करियर को रोक दिया, तो ई इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, ही ट्रेस द लैक ऑफ क्रिएटिविटी इन एन एजुकेशन सिस्टम दैट रिवॉर्डेड स्टूडियसनेस अपॉन इंडिपेंडेंट थॉट। तो इसको फिर से पढ़ते हैं, देखते हैं किस पार्ट में एरर है। ही ट्रेस्ड, ये सही है, द लैक ऑफ क्रिएटिविटी इन एन सही है एजुकेशन सिस्टम, मतलब उसने ही ट्रेस्ड मतलब उसने पता लगाया लैक ऑफ क्रिएटिविटी का एजुकेशन सिस्टम में, उसको लगा कि एजुकेशन सिस्टम में क्रिएटिविटी की कमी है। और एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है दैट रिवार्डेड स्टूडियसनेस अपॉन इंडिपेंडेंट थॉट। देखिए, एक चीज़ को जब हम दूसरी चीज़ से ऊपर रखते हैं, जब एक चीज़ को हम दूसरी चीज़ से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो उस सेंस में हम ओवर वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम में एक ऐसी कमी है जो स्टूडियसनेस को ज़्यादा प्रेफर करती है, ज़्यादा प्रायोरिटी देती है और इंडिपेंडेंट थॉट को कम देती है, यानी स्टूडियसनेस को इंडिपेंडेंट थॉट से ऊपर रखा जाता है। तो इस सेंस में यहाँ पर अपॉन वर्ड ना आते हुए ओवर वर्ड का प्रयोग होगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें आपका डी इसमें आपका आंसर है। अब डी किस में है, डी है सी में, तो इसलिए सी इसमें आपका आंसर होगा। देखिए, ये जो सीक्वेंस दिया है बी सी डी ई, इसमें ए है ही नहीं। तो इस तरीके से कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन इस समय पूछे जा रहे हैं बैंकिंग एग्जाम्स में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं इस तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं, एक्चुअली व्हाट इज इंडिया एक्सपीरियंसिंग इन हायर एजुकेशन टुडे। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसको आप मान सकते हैं कि एक टिपिकल बैंकिंग क्वेश्चन है, एक टिपिकल बैंक एग्जाम क्वेश्चन है। इसमें हम देखते हैं, एक्चुअली व्हाट इज इंडिया एक्सपीरियंसिंग इन हायर एजुकेशन टुडे इज फार वर्स देन मेयरली द प्रोटेक्शन ऑफ स्टूडियस यूथ। मतलब इंडिया का जो करेंट एजुकेशन सिस्टम है वो केवल स्टूडियस यूथ को ही पैदा नहीं करता, इसके अलावा भी उसमें काफ़ी सारी कमियां हैं, ठीक है। ये सेंटेंस बोलने की कोशिश कर रहा है, तो इस सेंटेंस में यदि आप ध्यान से देखें तो कहीं पर भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए इसमें यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा एक्चुअली व्हाट इंडिया इज़ एक्सपीरियंसिंग। व्हाट इज़ इंडिया एक्सपीरियंसिंग जगह आप बोल सकते हैं व्हाट इंडिया इज़ एक्सपीरियंसिंग इन हायर एजुकेशन टुडे इज़, ठीक है। इस तरीके से इसको आप बोलना पड़ेगा, ये पार्ट आपका साथ है व्हाट इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए इसमें आपका ए पार्ट जो होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, टू से दैट इट हैज़ अ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द स्टेट ऑफ अफेयर्स। स्टेट ऑफ अफेयर्स मतलब किसी काम की जो दशा होती है, जो कंडीशन होती है, उसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ अफेयर्स that we are experiencing in higher education would be an underestimate to say that it has a major responsibility। देखिए यहाँ पर इसमें ये जो वर्ड है, देखिए रिस्पॉन्सिबल के साथ हम फॉर लगाते हैं, जैसे आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक, और यदि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि माई रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज इन दिस पर्टिकुलर थिंग।
सो आफ्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप एन लगाते हैं और रिस्पॉन्सिबिल के साथ आप फॉर लगाते हैं, लेकिन यहां पर क्या वर्ड है, यहां पर है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी चीज में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो यहां पर आप बोलेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द स्टेट ऑफ अफेयर्स। और यदि यहां पर रिस्पॉन्सिबल होता तो रिस्पॉन्सिबल के साथ आप फॉर लगा सकते हैं। तो इसलिए यहां पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी आपका जो आंसर होगा वो होगा ए, क्योंकि एक ऑप्शन के अंदर बी लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। टीचिंग इनपुट कैन बी पार्टली मेजर्ड। देखिए टीचिंग इनपुट ये सही है, कैन बी के साथ यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगाए तो ये सही है। टीचिंग इनपुट कैन बी पार्टली मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ कोर्सेज टॉट। टीचिंग इनपुट को मेजर किया जा सकता है बाय द नंबर ऑफ कोर्सेज टॉट। नंबर ऑफ कोर्सेज टॉट मतलब ऐसे नंबर ऑफ कोर्सेज जिनको पढ़ाया गया है। बट रिसर्च असेसमेंट शुड अवॉइड इट। रिसर्च असेसमेंट शुड अवॉइड, क्योंकि शुड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो इसलिए अवॉइडेड ना होते हुए ये केवल अवॉइड होगा और यही इसका आंसर होगा। यानी इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ई। तो इसलिए आपका मतलब ई पार्ट मेरा है और ई पार्ट जो दिया है वो डी में दिया है, तो इसलिए आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द प्रेजेंट सिस्टम लीव्स द एबिलिटी टू स्टैग्नेट स्टैग्नेट ड्यूरिंग देयर बेस्ट ईयर्स एंड द अनडिजर्विंग टू बिलीव दैट टाइम सर्व ग्रांट इंटाइटलमेंट टू प्रमोशन। इस सेंटेंस में हम क्या बोल रहे हैं, इस सेंटेंस में हम बोल रहे हैं कि प्रेजेंट एजुकेशन जो सिस्टम है वो लीप्स, इसमें देखिए एक ग्रुप आया है, जैसे जब हम किसी किसी एडजेक्टिव के पहले हम जब दा लगाते हैं तो हम उस ग्रुप की बात करते हैं। जैसे यदि मैं बोलूं कि दा पुअर, ठीक है, तो पुअर लोगों का ग्रुप हो जाएगा। यदि मैं बोलूं रिच, द रिच, तो रिच लोगों का ग्रुप हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर द अनडिजर्विंग एक ग्रुप है और उसी तरीके से यहाँ पर होना चाहिए द प्रेजेंट सिस्टम लीप्स द एबल। यहाँ पर द एबल होना चाहिए, मतलब एबल लोगों का ग्रुप, यहाँ पर अनडिजर्विंग लोगों के बीच में और एबल लोगों के बीच में, अनडिजर्विंग और एबल लोगों के बीच में यहाँ कंपेरिजन दिखाया गया है। तो द प्रेजेंट सिस्टम लीप्स द एबल टू स्टैग्नेट ड्यूरिंग देयर बेस्ट ईयर्स एंड द अनडिजर्विंग टू बिलीव द टाइम सर्व ग्रांट्स इंटाइटलमेंट फॉर प्रमोशन। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो योग्य व्यक्ति हैं वो स्टैग्नेट कर जाते हैं प्रेजेंट सिस्टम में अपने बेस्ट ईयर्स में, और जो अनडिजर्विंग है वो उनको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, वो नौकरीज ले जाते हैं। तो जब प्रेजेंट सिस्टम लीव्स द एबल टू स्टैग्नेट ड्यूरिंग देयर बेस्ट ईयर्स एंड द अनडिजर्विंग, ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है, और इसमें बी पार्ट जो है ये गलत है। इसमें होना चाहिए द प्रेजेंट सिस्टम लीव्स द एबल टू स्टैग्नेट ड्यूरिंग देयर बेस्ट ईयर्स एंड द अनडिजर्विंग टू बिलीव द टाइम सर्व्स ग्रांट इंटाइटलमेंट टू प्रमोशन। मतलब अनडिजर्विंग जो लोग हैं वो केवल टाइम पास करते रहते हैं और उनको उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने ये टाइम जो दिया है जॉब में उससे वो इंटाइटल्ड हो गए हैं प्रमोशन लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली एबल होना चाहिए, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, और बी इसका सही आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द रेजोल्यूशन ऑफ वन हाई प्रोफाइल केस हाउ एवर शुड नॉट डिफ्लेक्ट अटेंशन फ्रॉम मैनी चैलेंजेस स्टिल प्लेगिंग द बैंकरप्सी रेजोल्यूशन प्रोसेस। द रेजोल्यूशन ऑफ वन हाई प्रोफाइल केस, वन हाई प्रोफाइल केस का जो रेजोल्यूशन हुआ है उसका जो सॉल्यूशन निकाला है, हाउ एवर शुड नॉट, शुड नॉट के बाद डिफ्लेक्ट जो सही है, डिफ्लेक्ट का मतलब है कि ध्यान आकर्षित करना, वहाँ से ध्यान अलग जगह पर ले जाना। फ्रॉम अटेंशन के बाद फ्रॉम लगा है, मैनी सही है, मैनी चैलेंजेस दैट आर स्टिल भी बोल सकते हैं आप यहाँ पर, दैट आर स्टिल प्लेगिंग द बैंकरप्सी रेजोल्यूशन। तो ये सेंटेंस जो है ये आपका सही है, इसमें है आपका, इसमें आपका आंसर होगा ई, यानी नो एरर। इस सेंटेंस में ग्रामर की कोई गलती दिखाई नहीं दे रही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मीन वाइल इन एन एफर्ट टू कीप इट्स फ्लॉक टुगेदर द पार्टी हर्ड इट्स इलेक्टेड पार्टी मैन एंड टू इंडिपेंडेंट लेटर्स टू अ रिजॉर्ट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दैट सिटी। ठीक है, देखिए टू का मतलब क्या है, जैसे आई वेंट हिम टू आगरा, मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अपना उनका जो फ्लॉक है, जो पार्टी का जो फ्लॉक है उसको एक साथ रखने के लिए पार्टी ने इलेक्टेड पार्टी मैन को और टू इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर को रिजॉर्ट में
भेजा किसी भी काम के लिए, मीटिंग के लिए या रिलैक्स करने के लिए। तो यहाँ पर एक्चुअली आपको एक मूव से रिलेटेड वर्ड चाहिए। मीन वाइल इन एन एफर्ट टू कीप इट्स फ्लॉक टुगेदर द पार्टी मूव्ड। मूव्ड अगर नहीं लगा सकते यहाँ पर तो आप हर्डेड लगा सकते हैं। हर्डेड यहाँ पर हर्ड नहीं होगा। द पार्टी हर्डेड इट्स इलेक्शन पार्टी मैन, ये भी काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। हर्डेड का मतलब है उनको भेजा या उनको मूव किया, उनको एक साथ रखने के लिए, उनको एक साथ जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर बी आपका इसमें आंसर होगा और सी इसमें आपका आंसर होगा, क्योंकि बी जो ऑप्शन है वो सी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इट वॉज अ लॉन्ग वेट फॉर द ट्राइबल्स, यहाँ तक सही है ये। फ्रॉम द मॉर्निंग फॉर देयर नियर एंड डियर, इट वॉज अ लॉन्ग वेट फॉर द ट्राइबल्स फ्रॉम द मॉर्निंग फॉर देयर नियर एंड डियर। दे इवन रिफ्यूज टू टेक ब्रेकफास्ट एंड वॉटर एज ऑल ऑफ देम वर स्ट्रिकन ऑफ ग्रीफ। ट्राइबल्स जो थे उनके लिए वेट करना बहुत मुश्किल हो रहा था और उन्होंने ब्रेकफास्ट और वाटर लेने से मना कर दिया, क्योंकि वो सभी लोग बहुत ज़्यादा दुख से पीड़ित थे। स्ट्राइकन ऑफ ग्रीफ मतलब दुख से पीड़ित थे। लेकिन ये फ्रेज जो है ये गलत है। या तो आप बोल सकते हैं ग्रीफ स्ट्राइकन, ठीक है, या आप बोल सकते हैं स्ट्राइकन विद ग्रीफ। या तो आप ग्रीफ स्ट्राइकन बोल सकते हैं, स्ट्राइकन विद ग्रीफ बोल सकते हैं। तो इसमें लास्ट पार्ट जो है वो आपका गलत है, ई पार्ट में गलती है। और ई जो ऑप्शन है वो ए में दिया है, इसलिए इसका आंसर होगा आपका ए। ये नया पैटर्न के क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इस समय बैंकिंग एग्जाम्स में और SBI क्लर्क में और SBI PO में इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यू डिफर्ड द केस मैनी अ टाइम, मैनी अ टाइम सही है। फॉर द सेंटर इफ दैट हैडंट हैपेंड वी वुड, हाँ यहाँ पर कंडीशनल पार्ट जो है जो इफ से शुरू हुआ है वो सही है, लेकिन जो रिजल्ट पार्ट है उसमें वुड नॉट के साथ हम हैड कभी नहीं लगाते, वुड नॉट के साथ हम लगाते हैं हैव। डी पार्ट इसमें गलत है और डी जो दिया है वो दिया है डी में, इसलिए डी इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अ टोकन अमाउंट विल बी फिक्स्ड, अ टोकन अमाउंट विल बी फिक्स्ड, यहाँ तक ये सही है। एंड द एम्प्लॉयज कैन इवन गो अब्रॉड, गो अब्रॉड सही है, गो टू अब्रॉड नहीं बोलते, गो अब्रॉड बोलते हैं, सही है। बाय नॉट अवेलिंग, ये भी सही है, बाय के बाद यहाँ पर ING फॉर्म लगाया है। द फैसिलिटी इन्हें, हाँ ये गलत है। कपल ऑफ ईयर्स होता है, कपल ऑफ ईयर्स मतलब दो चार साल में, कपल्स ऑफ ईयर्स हम नहीं बोलते। तो ये जो फ्रेज है यहाँ पर ये गलत है। देखिए अब इस तरह के जो एरर्स हैं ये काफ़ी कॉमन है बैंकिंग एग्जाम में, जिसमें फ्रेज रिलेटेड गलतियां पूछी जाती हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने यहाँ पर ये ग्रीफ स्ट्राइकन वाला जो सेंटेंस देखा था, ठीक है, ये इसमें भी फ्रेज रिलेटेड गलती थी। ये ग्रामर रिलेटेड गलती है क्वेश्चन नंबर 13 में, और यहाँ पर फिर से ये फ्रेज रिलेटेड गलती है और इसका आंसर होगा डी, मतलब डी पार्ट में इसमें गलती है। कपल ऑफ ईयर्स एंड यूजिंग ए लंप सम, डी डी पार्ट में गलती है। डी पार्ट जो दिया है वो सी में दिया है, इसलिए सी इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द अप्रूवल वुड इंक्रीज एक्सेस टू क्वालिटी हायर एजुकेशन एंड हेल्प इन मिनिमाइजिंग द रीजनल इम्बैलेंसेस इन द एजुकेशन फैसिलिटी। बिसाइड्स होना चाहिए यहाँ पर, इसके अलावा, मतलब जो अप्रूवल है वो इस चीज़ को इंक्रीज करेगा। अप्रूवल वुड इंक्रीज एक्सेस टू क्वालिटी हायर एजुकेशन एंड हेल्प इन मिनिमाइजिंग द रीजनल इम्बैलेंस इन द एजुकेशन फैसिलिटी। बिसाइड्स मतलब इसके अलावा क्या करेगा ये, गिविंग इफेक्ट टू द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014। तो यहाँ पर इसमें यह बोला गया है कि इस चीज़ का फ़र्क दो चीज़ों पर पड़ेगा, एक इस पर पड़ेगा और इसके अलावा यहाँ पर भी इसका फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए बिसाइड्स। तो ये डी इसमें आपका आंसर है, मतलब बी आपका इसमें फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है स्पॉटिंग एरर के, जो नए पैटर्न के क्वेश्चन हैं इनको आप स्टडी करिए। और यदि आप हमारा ई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं बैंक PO के लिए, SSC के लिए, क्लर्क के लिए, तो उसमें भी एडमिशन चल रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और ये 6 ऑसम ई बुक्स यदि आप लेना चाहते हैं तो इनको भी आप ले सकते हैं, इनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पर मेरा नीचे पेटीएम नंबर भी है, उसमें 99 रुपीज़ पेटीएम करके भी इन ई बुक्स को आप
घर बैठे बहुत ही आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें बैलेंस के 1500 वर्ड हैं, इसमें बैंकिंग एसएससी के मोस्ट रैकरिंग वर्ड आपको मिलेंगे, इसमें रीसेंट बैंकिंग एग्जाम्स के वर्ड हैं, इसमें फ्रेजल वर्ब्स हैं, इसमें एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, पिक्चर्स के थ्रू वर्ड्स को समझाया गया है। तो एक बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आपके लिए रहेगा और इसको आप केवल और केवल 99 रुपीज़ में पेटीएम के थ्रू या लिंक के थ्रू इसको आप ले सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही। यदि आपको वीडियो क्लास अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करें और इस चैनल को भी आप जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल का नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड गुड बाय। थैंक यू।